हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सलवाई। आज हम बनाएंगे आलू फ्राई की सब्जी। तो हम ले रहे हैं 2 प्याज, 3 आलू और 1 टमाटर, जिन्हें हमने छीलकर धो लिया है और उनको बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और इधर हम ले रहे हैं 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया और 1 छोटी चम्मच सौंफ, जिनको हमने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई के दाने। अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और साथ ही डाल देंगे कुटा हुआ धनिया और सौंफ और 5 सेकेंड इसको चला लेंगे। अब हम डालेंगे प्याज। और प्याज के साथ आलू भी डाल देंगे। अब इनको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे। अब डालेंगे सारे सूखे मसाले। तो चलिए डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करके पका लेंगे। अब डाल देंगे टमाटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढककर 7 से 10 मिनट तक पका लेंगे। बीच में 1-2 बार चला भी लेंगे। अब हमारी सब्जी रेडी हो गई है और ये थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था। चलिए सब्जी को सर्व करते हैं। सब्जी को हमने 1 कटोरी में सर्व कर लिया है और धनिया पत्ता से सजा दिया है। तो ये आसान सी आलू फ्राई की सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल होम्स हलवाई को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड एन्जॉय।